अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक सतरंगी फूड चैनल, और मैं हूँ समीना तारिक। कैसे हैं आप सब लोग? कैसा चल रहा है आप सब लोग का रमज़ान है मुबारक? आज जुमा है और आज रमज़ान स्पेशल मैं बनाऊँगी बहुत टिपिकल से जो हम शुरू से बनाते आ रहे हैं, आलू के क्रिस्पी कबाब बेसन वाले। और एक सीक्रेट है इसके अंदर, मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या है। तो चलें जी, सबसे पहले ये देखें, मैंने इसके लिए आलू ले लिए हैं, उनको मैंने मोटा मोटा फोक के साथ ही कर लिया है, मैश कर लिया है। और इसके साथ ये हैं चॉप प्याज हैं और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची हैं, साथ में ये बहुत ही तेज़ फ्लेवर वाला लहसुन है, और ये धनिया है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है ये। और इनमें से हम दोनों में से एक ही चीज़ यूज़ करेंगे, बल्कि लहसुन ही करेंगे। स्पाइसेस में है नमक, लाल मिर्च का पाउडर है, क्रश चिली है, काली मिर्च का पाउडर है, और ये है पिसा हुआ ज़ीरा, और साथ में ये है बेसन, एक कप बेसन है मैंने ले लिया। और चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डाल दूँगी इसके अंदर ये एक चम्मच मिर्च थी, एक चम्मच भी नहीं थी सॉरी, ये देखें प्याज हो गए, और ये है काली मिर्च का पाउडर, और ये है क्रश चिली, ये लाल मिर्च, और ये है ज़ीरा पाउडर, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत तेज़ होता है। हसबे ज़ायका नमक, धनिया तो मैं सारा ही डाल दूँगी क्योंकि धनिया बहुत अच्छा लगता है। तो चलें जी, यही है वो सीक्रेट जो हम दोनों में यूज़ करेंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा मैं ये इतना सा लहसुन लूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत तेज़ है, इसलिए मैं इसे कम ही यूज़ करूँगी। और जो हल्दी है वो मैं नहीं रखा करती क्योंकि प्यालियों में निशान पड़ जाता है, ये देखें कलर और फ्लेवर के लिए मैं यूज़ करूँगी। और अब मैं इन सबको हाथों के साथ ही अच्छा सा मैश कर लूँगी। ये रेडी हो गया आलू का मसाला, देखिए कितना स्टिकी है, मैंने इसके अंदर कुछ भी यूज़ नहीं किया आज, बिल्कुल रियल आलू हैं, धनिया है, और चॉप प्याज है, स्पाइसेस हैं, और कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल आज सिंपल सा बनाएंगे, हाथ पे मैं ऑयल लगा लूँगी और छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। ये देखें, छोटे बड़े आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहते हैं तो बड़ा बना लें, इसी तरह मैं सारे बना लूँगी। ये देखें, ये मैंने बना के रख लिया, और इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाऊँगी। कबाब रेडी हो रहे हैं, और एक तरफ हम ये कबाबों के ऊपर जो हमने कोटिंग करनी है वो रेडी कर लेते हैं। तो ये है सीक्रेट कि आपको आलू के कबाबों में बिल्कुल फ़िश का जायका आएगा। आपने अपने बेसन में ये थोड़ा सा जो है लहसुन ये यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, फिर वो बहुत बुरा सा जायका आने लगता है। तो इसमें हमने ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालने, साबुत ज़ीरा और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसेस हमने कबाबों में डाल दिए। और ये देखें, अब इसको हमने इतना ज़्यादा फेंटना है कि इसकी तार सी बननी चाहिए, कि अगर हम पतली कोटिंग भी करते हैं कबाब के ऊपर तो वो कबाब बेसन फटता नहीं है बिल्कुल भी। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डाल देना है। ये हमारा हो जाता है रेडी। चलें जी, मिक्स तो हो गया, अब हम इसी तरह चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसको ये जो ये बिल्कुल तार सा बनना चाहिए। और थोड़ा सा पानी में और डालूँगी क्योंकि पतली कोटिंग होगी और बिल्कुल भी कढ़ाई में जाने के बाद वो फटता नहीं है बेसन।
चले जी, अब मैं इसको इसी तरह रेडी कर लिया अच्छी तरह फेंट के, ये देखिए रेडी हो गया। तो चले अब कबाबों की तरफ चलते हैं। ये देखिए जी दोनों चीज़ें रेडी हैं, कोटिंग भी और कबाब भी। और ये थोड़ा सा मैं वन पिंच भी नहीं, बहुत ही आधी से आधी चुटकी भी मैंने इसके अंदर मैंने मीठा सोडा डाल दिया, क्योंकि जब हम ज़्यादा मीठा सोडा भी डालते हैं तो हमारी कोटिंग फटने लगती है। और तेल जो है वो गर्म हो गया कढ़ाई में, ये देखें ये तार बनता है इसका, ये इसकी निशानी होती है। बहुत ज़बरदस्त कबाब बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये मैंने थोड़ा सा बेसन डाल के चेक किया था कि गर्म हो गया है ऑयल, तो बेसन ऊपर आ गया था, अभी कबाब भी ऊपर आ जाएगा। इसी तरह मैं सारे कबाब जो हैं एक एक करके इसमें डालती जाऊंगी, और उतने ही डालेंगे जितने इजीली पक जाएं। अब वेट करते हैं इनके ऊपर आने का, क्योंकि ये स्लो स्लो पक रहे हैं। मज़े के आलू के क्रिस्पी से कबाब जो हैं वो मछली के फ्लेवर वाले, क्या बात है, वो रेडी हो रहे हैं। आप इनका ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि बिल्कुल फ़िश फ्लेवर आया है कि नहीं आया। मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ, थोड़ा सा लहसुन जो है वो बेसन में भी डाल लेती हूँ और आलू के अंदर भी, तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर बहुत हट के आता है। आप उसकी उसका जो टेस्ट है उसे फील कर सकते हैं कि वो बहुत ही डिफरेंट होके आता है। चलें जैसे ही इनका कलर आता है, अब मैंने फ्लेम फुल किया हुआ है, क्योंकि कम फ्लेम पे हम अगर करेंगे तो बिल्कुल ये लटक जाते हैं, बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं बनते। अब इन मुझे इन्हें क्रिस्पी बनाना है। जैसे ही इनका कलर अच्छा आता है, सुनहरी सा गोल्डन सा, तो मैं इनको डिश आउट कर दूँगी। हो गए हैं रेडी और अब मैं इनको निकाल रही हूँ वन बाई वन। देखें कितने मज़े के बने हैं। अफ्तारी अभी चल रही है, सॉरी रोज़ा चल रहा है अभी, वरना मैं आपको थोड़ा खा के दिखाती कितना मज़े का बनते हैं ये। इसी तरह मेरे जो दूसरे रह गए हैं मैं वो भी बना लूँ। बिल्कुल रेडी हो गए हैं आलू के क्रिस्पी कबाब, और एक और चीज़ रेडी हो रही है, वो उसकी वीडियो में आपके साथ फिर शेयर करूँगी। ये देखें फ्राई हो रहा है ये, और ये देखें पुदीना की चटनी है, साथ में केचप है, इसके साथ एंजॉय करें। और इसको कल ही इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे भी दो में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।